હવે વાત અન્નદાતાના આંદોલનની કરીએ તો ખેડૂત આંદોલનનો આજે 24મો દિવસ છે. ગાઝીપુર બોર્ડર પર ખેડૂતોના ધરણા આજે પણ યથાવત છે. કૃષિ કાયદા સામે લડાઈ નહીં છોડે તેવો દાવો ખેડૂતો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આપણે જણાવી દઈએ કે કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે અને આ ઠંડી વચ્ચે પણ હજારો ખેડૂતોએ પોતાનું પ્રદર્શન યથાવત રાખ્યું છે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે જે કૃષિ બિલના વિરોધમાં ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, આ ખેડૂત આંદોલનનો આજે 24મો દિવસ છે ત્યારે ગાઝીપુર બોર્ડરની તસવીરો સામે આવી છે. કડકડતી ઠંડી વચ્ચે પણ ખેડૂતો પોતાના આંદોલન પર અડગ જોવા મળી રહ્યા છે. કૃષિ કાયદા સામેની આ લડતે તેઓ નહીં છોડે. જ્યાં સુધી કૃષિ બિલને પરત લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી પોતાની આંદોલનને યથાવત રાખશે તેવો દાવો ખેડૂતો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. તસવીરો સામે આવી છે કે જ્યાં ગાઝીપુર બોર્ડર પર એક તરફ ઠંડીનો કહેર વધી રહ્યો છે ત્યાં બીજી તરફ ખેડૂત આંદોલનનો 24મો દિવસ અને ખેડૂતોમાં હજુ પણ એ જોશ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે દિલ્હીથી વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા મોહિત ઓમ, તેમની સાથે જોડાઈએ. મોહિત, કડકડતી ઠંડી का ठंड बहुत बढ़ रही है, उसके साथ देखे जाए तो आज 24 दिन हो गए किसान आंदोलन का, आज भी किसान अपने आंदोलन पे अड़क दिख रहा है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, आज 24वां दिन है किसानों का और किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे जमे बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक कानून वापसी की बात नहीं होती जब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे. और कल जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने बताया है कि अब जो हमारे किसानों की संख्या है अब और तेजी के साथ बढ़ेगी और अब हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे. नासिक से भी किसान जो है वो दिल्ली में 21 तारीख को पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र भी अब दिल्ली के किसानों के साथ नजर खड़ा हुआ नजर आ रहा है. और जिस तरीके से किसान नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कोई उनकी वार्ता नहीं हो रही है. तो इस कारण कहीं ना कहीं जो किसान जो है उनमें एक रोष है और वो अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं और अब लगातार यही कह रहे हैं कि अब जो आंदोलन है और तेजी के साथ होगा और अब वो दिल्ली के जो बॉर्डर में बैठे हैं अब वो दिल्ली की सीमाओं में एंटर करने के लिए तैयार हैं. लेकिन उनका कहना है कि हमने अभी भी वार्ता का द्वार खोला हुआ है, अगर सरकार चाहे बिल वापसी की बात करने के लिए हमसे तैयार हो तो हम दोबारा से वार्ता कर सकते हैं. हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि किसानों की तरफ से वार्ता बंद हुई है और बिना वार्ता के कोई भी कानून के ऊपर बात नहीं हो सकती. और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके नरेंद्र तोमर जी का जो नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है उनका लेटर ट्वीट कर ये बोला था कि किसानों को ये लेटर पढ़ना चाहिए और उसमें सारी वो बातें लिखी हैं जो उनके मन में जिस बात को लेकर कोई भी शंका है. और कल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों को पूरी एक एक बात बताई और बताया कि बिल उनके फायदे में है, उसको लेकर यहाँ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि फायदे उन किसानों को गिनाए जा रहे हैं जिनके जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हमें गिनवाए जो आंदोलन कर रहे हैं. इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में किसानों में रोष है और आज शाम को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा कि आगे की रणनीति क्या है. જી મોહિત, શુક્રિયા જાણકારી દેને કે લીએ. તો આપને જણાવી દઈએ 24 દિવસ થઈ ગયા છે કિસાન આંદોલનને અને આજે જે ખેડૂત યુનિયન છે તેમની એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ તેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે અને તેમાં આગળ હવે ખેડૂતો તેમના આંદોલનને કયા રસ્તે લઈ જવા માંગે છે તે દિશામાં તેઓ પ્રકાશ પાડશે. એક તરફ સરકારનું કહેવું છે કે ખેડૂતો દ્વારા જે વાતચીતનો દોર છે તેને રોકવામાં આવ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તેઓ તૈયાર છે જો સરકાર કૃષિ બિલને પરત લેવા માટે વાતચીત કરવા જો તૈયાર હોય તો.